गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग ईवीएस में अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। देखिए, ये कुछ बच्चे हैं, नीतू, अमन, प्रीसी। अब ये बच्चे कुछ खाना लेके आए हैं। अब देखिए नीतू क्या कह रही है, वाओ अमन लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। देन अमन क्या कहता है, हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी। तब प्रीति क्या कहती है, आई हैव गॉट भिंडीज। फिर जब उन्होंने टिफिन खोला तब क्या हुआ, अमन कह रहा, ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। और प्रीति कह रही है, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। तो बेटा आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने टिफिन खोला अमन को ये फील हो गया कि उसकी सब्जी खराब हो गई है। अब हम ये पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमन को कैसे पता चला दैट पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। बेटा जब कोई फूड स्पॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है वो खराब हो गया। सिंपल सी बात है, जब आप उसे स्मेल करते हैं तो वो बहुत बैडली स्मेल करता है। इसका मतलब हम ये समझ जाते हैं कि वो फूड आइटम हमारा खराब हो गया है। और फूड आइटम के खराब होने का मीनिंग क्या है, बेटा आप लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगस होते हैं। ये ऐसे क्रीचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं, जो देखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये अगर खाने को थोड़े दिन तक रख दिया जाए तो उस पर ये डेवलप कर जाते हैं। और जब ये डेवलप हो जाते हैं किसी खाने में तो वो फूड खराब हो जाता है। जब ये खाने के पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट आइटम्स बना लेते हैं और उन आइटम्स की स्मेल अलग होती है। तो हमारे खाने की जो नेचुरल स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम खाने को स्मेल करते हैं, हम देखते हैं स्मेल चेंज हो गई, तो हम गेस कर लेते हैं कि खाना हमारा खराब हो गया है। तो खाने के खराब होने का मतलब क्या है, कि उसमें कुछ बैक्टीरिया या फंगस ग्रो कर गए हैं। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैड गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। अब ये बात तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि फूड आइटम स्पॉइल हो गया, ये हमें कैसे पता चलता है, फूड आइटम की स्मेल से। सबसे पहले तो हमें स्मेल से पता चलता है। और अगर फूड आइटम ज्यादा खराब हो जाए तो उसके ऊपर एक लेयर जैसी बन जाती है। कभी ये लेयर ग्रीनिश होती है, कभी ब्लैकिश होती है और कभी कभी व्हाइटिश होती है। ये व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक लेयर उस पे फंगस की ग्रोथ के कारण होती है। फंगस भी एक तरह के बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं लकड़ी के ऊपर, चमड़े के ऊपर, गोबर के ऊपर, बरसात में क्या होता है ना, कुछ वो अम्ब्रेला जैसे कुछ कुछ बॉडीज निकल आती है जिनको अम्ब्रेला जैसा हो जाता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्चेला या एगारिकस। इनको सिंपल सी लैंग्वेज में हम मशरूम्स बोलते हैं। इन्हीं में से एक मशरूम्स ऐसे होते हैं जो खाने के काम में आते हैं, जिसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं। पर ज्यादातर मशरूम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप बिना जाने यूं तोड़कर खा लें या उनकी सब्जी बना लें तो वो पॉइजनस भी होते हैं। इसलिए मशरूम्स को बिना जाने कहीं से नहीं तोड़ना चाहिए। पर कुछ कुछ मशरूम की ही शेप और साइज के ये अम्ब्रेला लाइक चीजें उगाती हैं। तो ये भी एक तरह के फंगस हैं। तो ये फंगस तो बड़े बड़े फंगस हैं जो आपको आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं, पर कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेयर के फॉर्म में खाने के आइटम्स पे आ जाते हैं। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ शी हैड ईटन इट। अगर सोचिए प्रीति उसको, नीतू को ना बताती कि उसकी सब्जी खराब हो गई है तो नीतू तो उसे खा लेती। और अगर नीतू उस खराब सब्जी को खा लेती तो फिर वो फंगस उसकी बॉडी में पहुंच जाते और उसकी बॉडी में जाके उसके स्टमक को डिस्टर्ब कर देते, उसके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते, जिससे कि वो बीमार भी पड़ सकती है। तभी कहते हैं फूड अगर थोड़ा सा स्पॉइल हो जाए तो हमें उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया एंड फंगस डेवलप हो गए होते हैं वो हमारी बॉडी के सिस्टम को खराब कर देते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। अब इसके बाद आते हैं, लुक इन योर किचन and write down the names of the food item that can spoiling 2-3 days. अच्छा बताइए बेटा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 2-3 दिन तक चल जाती हैं? जैसे आपकी मम्मी इस समय आम का सीजन बहुत आ रहा है ना, कच्ची अमियां, तो कच्ची अमियों का एक मीठा मीठा अचार बनाती हैं। ये 2-3 दिन तक चल जाता है।
कभी कभी आपकी मम्मी पुए बना लेती हैं, पुए भी 2-3 दिन तक चल जाते हैं, फिर कैन बी कैप्ट फॉर अ वीक, एक वीक तक क्या चल जाता है, जैसे आपकी मम्मी नमक पारे वगैरह बनाती हैं, वो पूरे एक वीक तक चल जाते हैं, वुड नॉट स्पॉयल टिल 1 मंथ। अब ऐसा फूड आइटम होता है हमारे पिकल्स, अचार, वो भी कुछ अचार तो ऐसे होते हैं जो आप 1 ईयर 2 ईयर तक भी रखते हैं तो भी खराब नहीं होते, लेकिन कुछ अचार ऐसे होते हैं जैसे गाजर का अचार, गोभी का अचार, वो 1 महीने के अंदर कंज्यूम कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें बैक्टीरिया एंड फंगस जो ग्रो करते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। लुक एट योर फ्रेंड लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब डिफरेंट बच्चों की लिस्ट तो अलग अलग होगी आइटम्स, कुछ लोग किसी फूड आइटम्स का नाम लिखेंगे, कुछ लोग किसी फूड आइटम्स का नाम लिखेंगे, तो इन चीजों को हम, हमारा जब स्कूल खुलेगा तब क्लास में डिस्कस करेंगे। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स? व्हाट वुड चेंज व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल इन योर हाउस? व्हाट डू यू डू विद इट? जब फूड आपका खराब हो जाता है तो आप उसे क्या करते हैं? आप उसे या तो किसी जानवर को खाने को दे देते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं डस्टबिन में, ऐसी जगह जहां कर उसे कोई डॉग या कोई और खा ले। नाउ बिजी रिटर्न द ब्रेड। अमन बिजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बिजी। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बिजी रिटर्न इट। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड had got spoiled? अब बेटा जो अमन्स बिजी, वो बिजी जो थी, वो बिजी अमन्स की जो बिजी होती है मतलब कि उनकी जो दादी थी वो गई मार्केट में ब्रेड खरीदने के लिए। अब वहां पे ब्रेड जब खरीदने के लिए गई तो उन्हें बहुत देर बाद ब्रेड मिली क्योंकि शॉप में काफी भीड़ थी। जब उन्होंने ब्रेड के पैकेट को देखा तो पैकेट आप कोई भी देखेंगे, चाहे बिस्किट का पैकेट हो चाहे ब्रेड का पैकेट हो, उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखा होता है और ये लिखा होता है कि कितने आवर्स तक या कितने डेज तक आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो उन्होंने भी उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देखी होगी और देखा होगा कि ये ब्रेड तो 2-3 दिन बासी हो गई है, इसका मतलब ये ब्रेड जरूर खराब हो गई होगी, और बीजी ने उस ब्रेड को रिटर्न कर दिया। तो इसी तरह से हमें फूड आइटम्स के पैकेट्स को देखना चाहिए, जैसे कि बिस्किट के पैकेट्स हुए और नमकीन के पैकेट्स हुए, केक के पैकेट्स हुए, उन सब के पैकेट में डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायर डेट लिखा होता है, मींस लिखा होता है सेव टू यूज विद इन 1 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर, मींस उसके मैन्युफैक्चर या ओपनिंग मैन्युफैक्चर के 1 मंथ के अंदर उसे कंज्यूम हो जाना चाहिए। तो हम ये डेट उसमें देख लेते हैं पैकेट में, और अगर वो उस टाइम से ऊपर निकल गया होता है तो हम उस फूड आइटम को कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरर्स ही ये बोल रहे होते हैं कि अब ये फूड आइटम कंज्यूम करने के लिए सेफ नहीं है, मींस अब अगर इसको खाया जाएगा तो उसमें कुछ भी बैक्टीरिया फंगस वगैरह उसमें ग्रोन हो सकते हैं, जिससे कि पर्सन की हेल्थ को पे बुरा असर पड़ेगा। अब उसके बाद आपने कभी ब्रेड या रोटी को ऑब्जर्व किया होगा कि आप रोटी को अगर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए तो देखिए उसमें ग्रीन ग्रीन या ब्लैक ब्लैक लेयर बन जाती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि उसमें फंगस ग्रो कर जाते हैं। अब ये फंगस जो होते हैं ये ग्रीन होते हैं, कभी ब्लैक होते हैं और कभी व्हाइट होते हैं। अब देखिए यहाँ ब्रेड का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन अ बॉक्स। क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। मेक द टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन। अब देखिए आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं। यहाँ रोटी या ब्रेड को लिया गया और इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दिया गया। बेटा ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि चीजें बरसात में जल्दी खराब होती हैं एज कम्पेयर टू विंटर और समर, क्योंकि बरसात में फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ की रेट बहुत तेज होती है, तो इस कारण से चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं। इसीलिए हमने रोटी और ब्रेड में कुछ पानी स्प्रिंकल किया ताकि जल्दी से उसमें फंगस की ग्रोथ हो जाए। अब इसके बाद हम उसमें कुछ फंगस देखेंगे। अब ये फंगस टच में कैसे होते हैं, तो थोड़े
खुरदरे से होते हैं, स्मेल में कुछ बैड स्मेल जैसी होती है और देखने में अगर आप उसे हैंड लेंस से देखें तो आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में जरूर करिएगा। ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।